Hello everyone, welcome again. Today in this video we are going to learn about the video display device. Okay, before going to this, first we have to know what do you mean by resolution. Okay, so resolution क्या होता है? Maximum number of pixel in a computer screen without overlapping with each other is called as resolution. Okay, so अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन हुआ, ओके, ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है ये बहुत सारे पिक्सेल्स को लेके बनी होती है, ओके, और ये पिक्सेल्स बहुत छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ओके, बट मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ये एक पिक्सल के एग्जाम्पल के थ्रू से लिया हूँ और ये एक पिक्सल, ये दो पिक्सल्स हैं, ओके, और ये दोनों पिक्सल एक दूसरे के साथ यहाँ पे देखो ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन के हिसाब से ये जो ओवरलैपिंग है ये नहीं होना चाहिए, यानी कि दो पिक्सेल्स के बीच में कभी भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ओके, और यानी कि एवरी पिक्सेल्स शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन ए कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन में जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ पिक्सेल्स होंगे हम उसी कंप्यूटर स्क्रीन को बोलेंगे कि उसका रिजोल्यूशन जो है वो उतना ज्यादा है, ओके, यानी कि इफ द नंबर ऑफ द पिक्सेल्स ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज मोर देन वी कैन से दैट द रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज मोर, ओके, एंड इफ द नंबर ऑफ द पिक्सेल्स ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज लेस देन वी कैन से दैट द रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज लो. Alright. So what do you mean by resolution? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन में हम उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन ए कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन. ऑलराइट. सो नाउ वी विल नो व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो डिस्प्ले डिवाइस. ओके, तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस होता क्या है? वीडियो डिस्प्ले डिवाइस इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिस्प्ले आवर वीडियो. ओके, दैट इज ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम हमारे वीडियो को डिस्प्ले करवा सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले डिवाइस. ओके, और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल होता है मॉनिटर. जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें जो मॉनिटर है वो है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द वीडियो डिस्प्ले डिवाइस. ऑलराइट. क्यों ये एक परफेक्ट एग्जांपल हुआ? क्योंकि जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू से हम हमारे वीडियो को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं. राइट, इसलिए हम यहाँ पे बोला गया है कि जो मॉनिटर है इट इज द एग्जांपल ऑफ द वीडियो डिस्प्ले डिवाइस. ओके, वीडियो मॉनिटर इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम. ओके, सो ये जो मॉनिटर है ये एक सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से बनी होती है. ओके, जो मॉनिटर होती है उसके अंदर एक सीआरटी होता है और ये जो वीडियो है ये वीडियो में हम हमारे एंटायर फोकस ये सीआरटी के ऊपर देने वाले हैं. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सीआरटी? सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब. ओके, इसको हम एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझेंगे डिटेल में. ओके, सो this is the graphical representation of the CRT. Okay, that is cathode ray tube. With the help of this diagram we can easily understand what do you mean by CRT and how it's actually work. Okay, तो आप कभी कोई एक कंप्यूटर मैकेनिक के पास या फिर कोई डेस्क या फिर टीवी मैकेनिक के पास जाएंगे तभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो जो कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप या फिर जो टीवी उसको जब खोल के रखा होता है उसी के टीवी के पिछले हिस्से में ठीक इसी तरह से एक ट्यूब लगी होती है. ओके, जिसको कि हम बोलते हैं सीआरटी. ऑलराइट। तो ये हो गया हमारे जो डेस्कटॉप के स्क्रीन। ओके, तो ये सोचो पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है, और इसी डेस्कटॉप के बीच में यानी कि अंदर एक सीआरटी लगी है, ऑलराइट, और यहाँ पे हम बैठे हैं और ये हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन है। ओके, तो ये जो सीआरटी अभी ये जो उसका जो बाकी पार्ट है उसको हम खोल दिए हैं और ये जो ट्यूब है इसके डिटेल में हम अभी यहाँ पे जाने हैं कि इसके अंदर कैसे काम होती है, ऑलराइट। तो ये देखो हमारे जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप किसके साथ कनेक्टेड होता है? सीपीयू के साथ, राइट। तो जब ये हमारा हो गया सीपीयू, ओके, और सीपीयू के साथ हमारे कनेक्टर पिन कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वेट मीडियम, ओके। एंड जब भी हम सीपीयू में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तभी इलेक्ट्रिक पास होके कनेक्टर पिन के पास जाता है और कनेक्टर पिन के साथ एक बेस कनेक्टेड होता है, ओके। बेस क्या होता है? देखो, बेस इज ए मेटल दैट हीट्स अप एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, ओके। यानी कि ये एक मेटल है जो कि कनेक्टर पिन के साथ कनेक्टेड होता है और जब भी सीपीयू से इलेक्ट्रिक पास होके कनेक्टर पिन के थ्रू से आता है तभी क्या होता है, ये जो बेस है ये हीट होता है। यानी कि जब भी बेस में इलेक्ट्रिक पास होना स्टार्ट करेगा तभी ये बेस क्या होगा, हीट हो जाएगा। और जब भी हीट होगा ये क्या करेगा, ये जो कैथोड रे ट्यूब है ये एक नॉर्मल गैस फील्ड से बनी होती है और वो गैस फील्ड बिकम आयोनाइज्ड यानी कि आयोनाइज्ड हो जाएगा, ओके। और आयोनाइज्ड होने के बाद ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ओके। एंड देन इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज हाई देन इट विल बी डिक्रीजेस एंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ द electron beam is low then it will be increases and it is done by the help of control grid, okay। यानी कि जो हमारा बेस है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। अगर जो जनरेट कर रहा है उसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन इट मे बी ए प्रॉब्लम फॉर द सीआरटी, सो इट विल बी कंट्रोल बाय द कंट्रोल ग्रिड। यानी कि सीआरटी को जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, कंट्रोल ग्रिड क्या करेगा, रिलीज करेगा, ओके। एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन एनोड। एक्सेलरेशन एनोड क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये एक नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज को आगे मूव करवाने के लिए हम एक्सेलरेशन एनोड का हेल्प लेते हैं ताकि ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट होके पॉजिटिवली चार्ज के पास आ सके, ओके। देन एक्सेलरेशन एनोड से पास होके ये क्या करेगा, जब आगे मूव करेगा तब वो ऐसे चांसेस भी आता है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है। तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारे पास एक फोकसिंग एनोड होता है, ठीक है। तो ये फोकसिंग एनोड का काम क्या है, फोकसिंग एनोड का काम ये है कि जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है उसको एक पर्टिकुलर लाइन में आगे पास करवाना इसी का काम होता है, ओके। देन ये इलेक्ट्रॉन बीम जाके कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ओके। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास जाएगा। देन ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, ओके। एंड देन इट विल पास द इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है एंड देन वर्टिकली जो डिफ्लेक्शन प्लेट है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, वर्टिकली स्ट्रेच होता है, ओके। एंड देन द इलेक्ट्रॉन बीम मूव टुवर्ड्स द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, ओके। यानी कि ये जो हमारा जो फॉस्फोरस होता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके। एंड ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये एक नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज के तरफ एंड ये इस तरफ मूव करेगा, ओके। देन क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये फॉस्फोरस के साथ एक केमिकल रिएक्शन करेगा, ओके, एंड देन हमारा जो फॉस्फोरस है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। एंड जब ये हमारे जो फॉस्फोरस है ये ग्लो करेगा, हमको हमारे स्क्रीन में इमेज देखना स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे बैठ के इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द CRT। Okay, so now we will study the CRT in detail. Okay, अभी तो मैं आपको ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा था कि CRT क्या होता है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेस। ओके, बेस किसको बोला जाता है? बेस इज ए मेटल दैट हीट्स अप एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम्स। यानी कि जब भी ये है हमारा बेस, राइट? तो जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पास करेंगे ये क्या होगा? हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जनरेट करना स्टार्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं बेस। ओके, सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द CRT। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हियर कनेक्टर पिन गेट कनेक्टेड विद CPU इन वायर मीडियम व्हिच क्रिएट पावर सप्लाई। ओके, यानी कि ये देखो हमारी ये है हमारा कनेक्टर पिन CPU के साथ कनेक्टेड है वायर मीडियम के थ्रू से, और जब हम CPU में इलेक्ट्रिक पास करेंगे ये इलेक्ट्रिक पास होके कहाँ जाएगा? कनेक्टर पिन के पास जाएगा और कनेक्टर पिन से बेस के पास जाएगा, राइट? और बेस हीट होगा एंड हीट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करना स्टार्ट करेगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, हियर द कनेक्टर पिन गेट कनेक्टेड विद द CPU इन वायर मीडियम व्हिच क्रिएट पावर सप्लाई एंड कैथोड फील्ड ट्यूब द नॉर्मल गैस फील्ड इनसाइड बिकम आयोनाइज्ड। और जब ये हीट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट करेगा, हमारा जो ये कैथोड रे ट्यूब है ये जो नॉर्मल गैस फील्ड से भरी हुई है वो भी ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ग्रिड। ओके, तो कंट्रोल ग्रिड कौन सा है? ये है हमारे कंट्रोल ग्रिड, राइट? तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है? If the electron beam intensity is high, then control grid decrease it. And if the electron beam intensity is low, then control grid will decrease it. यानी कि ये जो बेस है वो जब हीट होगा ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अगर उसका जो इंटेंसिटी है वो अगर ज्यादा है तो कंट्रोल ग्रिड उसको डिक्रीज करेगा, अगर लो है तो उसको इंक्रीज करेगा। ये होता है कंट्रोल ग्रिड का काम। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। देन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीम विल गो इनटू द एक्सेलरेशन एनोड व्हिच इज द पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? यानी कि देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन बीम आएगा वो कहाँ जाएगा? आने के बाद एक्सेलरेशन एनोड के पास आएगा, और एक्सेलरेशन एनोड क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, राइट? देन ये क्या करेगा? एक्सेलरेशन एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बीम को आगे पास करेगा, राइट? And pass away, and if the electron beam change its direction, then the focusing beam make it in a single line. यानी कि focusing beam कौन सा है बोलो? ये है हमारे focusing beam। जब इलेक्ट्रॉन बीम है वो acceleration anode से आगे आएगा, तब वो अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर फोकस में लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोकसिंग एनोड। ये है फोकसिंग एनोड जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर फोकस में पास करवाता है, राइट? एंड सेंड इट टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ओके, यानी कि ये हमारे जो फोकसिंग एनोड है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बीम को सेंड कर देगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास, एंड ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा। ओके, एंड देन After this, it will send the electron beam towards the vertical deflection plate. And vertical deflection plate क्या करेगा? हमारा जो electron beam है उसको vertically stretch करेगा, okay? And then send it to the phosphorus cathode screen, okay? इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो focusing anode है ये send करेगा electron beam को towards the horizontal deflection plate where the electron beam is stretched horizontally and then it move towards the moves to vertical deflection plate where it stretched vertically, right? And then it moved towards the phosphorus coated screen. इसका मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या करेगा, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के पास जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाएगा और दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम और फॉस्फोरस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। एंड देन ये जो फॉस्फोरस है ये क्या करेगा, रिएक्शन करने के बाद ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, तभी जाके हम यहाँ पे हमारा इमेज को देख सकते हैं, यानी कि पिक्चर को देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखो। एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, देन फॉस्फोरस एंड इलेक्ट्रॉन बीम मेक ए केमिकल रिएक्शन एंड फॉस्फोरस विल स्टार्ट ग्लोइंग। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द सीआरटी। ओके, एंड देखो हॉरिजेंटली जो बोला था, ये हॉरिजेंटली कैसे स्क्रैच हो रहा है, देखो ये जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है ये कैसे काम करता है, देखो ये देखो हॉरिजेंटली यानी कि ऐसे स्क्रैच करेगा इमेज मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को, एंड वर्टिकली जो वर्टिकल प्लेट है वो क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को इसी तरह से स्ट्रेच करेगा। ओके, एंड एट लास्ट देयर इज अ नोट that is 3 electron gons on the base of the monitor, that is 3 color red, blue and green. Okay, these 3 color mix to form all color and it create electron. Okay, यानी कि ये जो हमारे बेस है, मॉनिटर का जो बेस है, इसके साथ 3 ठो गन होती है, 1, 2 एंड 3, 3 गन रहती है, और इन गन का कलर होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू एंड एक होता है ग्रीन। इन तीनों कलर को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इन 3 कलर से कोई भी टाइप का कलर जनरेट कर सकते हैं, इसलिए हम इन तीनों कलर वाले गन को बेस के साथ कनेक्टेड करके रखे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीआरटी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीआरटी क्या होता है एंड सीआरटी किस तरह से काम करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।